फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया के लिए लेके आया हूं 40 डेज स्टडी प्लान फॉर CMA. CMA मतलब कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अगर आप CS एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 2 के छात्र हैं, आप इस बार दिसंबर में CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 देने वाले हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है. आपको ये वीडियो इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए. एक सब्जेक्ट होता है उसमें आपका कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है, अकाउंट्स वाला होता है, और ये MCQ सब्जेक्ट होता है. काफी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काफी अधिकतर CS वाले बच्चे थोड़ी तरफ थ्योरी में अच्छे होते हैं और उनको प्रैक्टिकल्स थोड़े से परेशान करते हैं. तो मैं 40 डेज स्टडी प्लान लेके आया हूं बेटा. इस स्टडी प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी 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 मदद मिलेगी कि CMA को कैसे पढ़ना है. तो चलिए शुरू करते हैं. मैंने क्या किया है, अक्सर CMA पढ़ते समय क्या होता है, सीक्वेंसिंग समझ में नहीं आती है कि कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा चैप्टर पहले पढ़े, कौन सा चैप्टर दूसरा पढ़े, कौन सा चैप्टर किससे कनेक्टेड है. तो मैंने क्या किया है, डिवाइडेड, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, डिवाइडेड द चैप्टर इन 6 पार्ट्स. सॉरी, मैंने डिवाइड कर दिया पूरे चैप्टर को, पूरे कोर्स को, पूरे कोर्स को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया. बच्चे कितने पार्ट्स में, 6 पार्ट में. तो जो पहले 4 पार्ट हैं, अगर मैं बोलूं 6 पार्ट्स में मैंने पूरे कोर्स को डिवाइड किया है, जो पहले 4 पार्ट हैं, मैंने हर पार्ट के लिए आपको 7 डेज दिए हैं. मतलब 4 पार्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स को आपको कितने दिन में करना है, हर पार्ट को 7 डेज दिए हैं. तो 28 डेज में आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, पहले 4 पार्ट्स खत्म हो जाएंगे. फिर 5वां और 6वां पार्ट थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने उसको 5 दिन दिए. तो बाकी के दो पार्टों के लिए मैंने आपको 5 दिन दिए, तो मिला के होते हैं 10 डेज. और 38 डेज में आपका पूरा CMA का सिलेबस खत्म हो जाएगा. आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी. मैंने पूरे कोर्स को 6 पार्ट में बांटा है. पहले 4 पार्ट्स है, ये पार्ट्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स है, मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है क्या. पहले 4 पार्ट्स के लिए मैंने आपको 7 डेज दिए हैं, और आखिरी के 2 पार्ट्स के लिए 5 डेज दोनों पार्टों के लिए. तो 7 4 28 डेज, ये होते हैं 10 डेज. 40 डेज में आपका पूरा पूरा CMA का सिलेबस खत्म होता है. देखिए 4 पार्ट्स हैं कौन कौन से. देखिए पहला पार्ट, सबसे पहले आपको ये 4 पार्ट, पहले पार्ट में आपको ये 4 चैप्टर उठाने हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स. ये 4 चैप्टर को एक पार्ट में क्यों डाला है, क्योंकि ये सब ज्यादातर अकाउंट्स बेस्ड है. अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो पार्ट होता है, शेड्यूल 6 शेड्यूल 3 जिसको हम बोलते हैं कंपनी लॉ वाला, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट और उसके साथ में शेयर्स एंड डिबेंचर्स की अकाउंटिंग. तो ये 4 चैप्टर्स को मैंने एक साथ डाला है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स. आप पहले ये 4 पार्ट करेंगे, उसके बाद ये 4 चैप्टर्स करेंगे जो कि पार्ट 1 में है, फिर आप पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 2 क्या है, आप 4 चैप्टर्स आपने अकाउंट्स के कर लिए, अब 3 चैप्टर्स आप किसके करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैं बता दूं आपका पूरा कोर्स आप जानते ही होंगे, अगर आप पेपर दे रहे हैं तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग 40 मार्क्स का होता है और ये 60 मार्क्स का होता है, हम जानते हैं अच्छे से, है ना. तो जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पार्ट है, उसका जो 3 चैप्टर्स आप करेंगे, यानी कि 13 14 और 15, आप देख पा रहे होंगे, पहले आप पार्ट 1 करेंगे, चैप्टर नंबर 1 2 3 4, फिर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग, ये 4 चैप्टर्स आपके मैंने पार्ट 2 में डाले हैं. तो पहले 7 डेज में आपको ये करना है, अगले 7 डेज में आपको ये करना है, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी और डिसीजन मेकिंग, ठीक है क्या. फिर पार्ट 3 आपका कौन सा चैप्टर आता है बेटा, चैप्टर नंबर 5 6 7 8, ये वाला चैप्टर आपका पार्ट 3 आता है. ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, लेकिन इसमें थ्योरी भी ज्यादातर डोमिनेंट है, जैसे कि इसमें बायबैक वगैरह है. और ये चैप्टर्स जो है, इसको आप 5 6 7 8 को SLCM जो आपका सब्जेक्ट है उससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें बायबैक वगैरह बहुत कुछ है. तो जब आपका SLCM में बायबैक वगैरह हो जाए, उसके बाद आप ये वाला पार्ट उठाएं, और 5 6 7 8 चैप्टर यानी कि रिलेटेड एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये 4 चैप्टर्स आप 3rd पार्ट में करेंगे. पहले पार्ट में 4, दूसरे पार्ट में 4 यानी कि 13 14 15 18, तीसरे पार्ट में 5 6 7 8, ठीक बच्चे, ये 3 पार्ट हो गए. चौथे पार्ट में आप उठाएंगे क्या, आप चौथे पार्ट में क्या उठाएंगे, ये 19 20 22, कौन सा चैप्टर, 19 20 और 22, ये वैल्यूएशन वाले पार्ट है, ये कहीं ना कहीं FM से कनेक्टेड है. ये करते करते पहले FM के कुछ चैप्टर्स करने के बाद ही आप ये वाले चैप्टर्स में आएंगे, वहां डिविडेंड पॉलिसी और वो शेयर प्राइसिंग निकालने वाले जो चैप्टर्स हैं FM के, वो कर ले, उसके बाद इसमें आएंगे तो आपको आसानी होगी. और 19 20 22, ये 3 चैप्टर्स आप साथ में करेंगे. तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी. हमने कितने पार्ट्स में बांटे थे, पहले 4 पार्ट्स,
जिनके लिए आपको 7 डेज दिए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये पहला पार्ट है यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4। फिर दूसरा पार्ट है आपका कौन सा, 13, 14, 15 और 18। फिर तीसरा पार्ट है आपका 5, 6, 7, 8 और चौथा पार्ट है 19, 20, 22। ये 3-4 पार्ट है आपको मैंने सबके लिए 7 डेज दिए हैं। तो ये 28 डेज में यानी कि एक महीने में आपका अगर ये हो जाएगा तो आपका मेजर कोर्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा बच्चे। फिर आपके पास दो पार्ट और बचते हैं छोटे छोटे से, जिसको आप 5 डेज ईच में करेंगे। जो दो पार्ट कौन कौन से बचते हैं, एक पार्ट होता है आपका ये वाला 5th पार्ट, जिसमें आप रेशियो एनालिसिस, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपस में मिला हुआ है। ये मैंने एक कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट्स का क्यों उठाया, क्योंकि ये भी 12th से रिलेटेड है, रेशियो एनालिसिस भी 12th से रिलेटेड है, 12th में आपने सब पढ़ा होगा। इसीलिए रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ये 3 चैप्टर्स मैंने डाले हैं चैप्टर 5th पार्ट में। इसके लिए मैंने आपको दिए हैं 5 दिन और आखिरी जो चैप्टर बचते हैं आपके वो आ जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और थ्योरी वाले चैप्टर्स, जिसमें ज्यादातर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थ्योरी आएगी आपको, वो 6th पार्ट है, चैप्टर नंबर 10, 11, 12। और आप देखेंगे 21 भी कौन सा है, इंड एएस है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंड एएस वाला पार्ट मैंने अलग से डाला है पार्ट 6 में। तो फिर से बताता हूं, 6 पार्ट, पहले 4 पार्ट में आपको क्या करना है, 7 डेज ईच, 1, 2, 3, 4 फर्स्ट पार्ट। फिर कौन सा पार्ट है ये आपको पूरी में जो शीट होगी ये मैं आपको भेज दूंगा, ये आपको करना है। अब SLCM करने का तरीका क्या होना चाहिए, SLCM करने का तरीका ये होना चाहिए, पहले आप मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे प्लस टैक्समैन के स्कैनर्स लगाएंगे, या जो भी स्कैनर्स आपको अच्छे लगते हैं वो स्कैनर्स आप लगाएंगे। यही तरीका है बच्चों, याद रखना, बार-बार थ्योरी रीड करने से अच्छा है बार-बार MCQ सॉल्व करना। जितने MCQ आप सॉल्व कर सकते हो वो आप करेंगे, हर चैप्टर की मॉड्यूल रीडिंग एंड MCQ, मॉड्यूल रीडिंग एंड MCQ, ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप पूरे पूरे 40 डेज में अपना 38 डेज प्लस 2 दिन में बीच के ले लिए मैंने एक्स्ट्रा, अगर कहीं आपका कोई वेस्ट हो जाए या कुछ कभी टारगेट आपका स्केड्यूल ना हो पाए तो 40 डेज में आपका पूरा CMA खत्म हो जाएगा। जब भी CMA पढ़े इसी सीक्वेंस में पढ़े, आपको पढ़ने में आसानी होगी। इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स को मैंने एक पार्ट के साथ ग्रुप कर दिया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।